नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल अनीस राज में। दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही खास होने वाला है, जो कि इस टाइप का वीडियो पूरे YouTube पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ कॉलम या तो पिलर बोल दीजिए 1200 स्क्वायर फुट हाउस के लिए, यानी कि 1200 स्क्वायर फुट में आप जब भी घर बनवाते हैं तो कॉलम बनवाने का टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना लगेगा, ठीक है। प्लॉट का साइज दोस्तों लंबाई और चौड़ाई का अगर बात कर ले तो 30 फुट बाय 40 फुट का है, ठीक है। तो 40 फुट इसका लंबाई हो गया जो रेड कलर से एरो दिया गया है, और 30 फुट इसका चौड़ाई हो गया जो ब्लू कलर का एरो दिया। तो फ्रेंड नंबर्स ऑफ कॉलम या तो गांव के भाषा में इसको बोल दीजिए पिलर, 4×4=16 नंबर्स ऑफ कॉलम है, 4 आपका हो गया लंबाई तरफ से। और फ्रेंड 4 नंबर्स ऑफ कॉलम या तो पिलर बोल दीजिए आपका चौड़ाई तरफ से हो गया, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम जान लेते हैं फटाफट कि ये वीडियो क्यों खास होने वाला है और हेल्पफुल होने वाला आप लोग के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों वी फाइंड आउट इन दिस वीडियो एस्टिमेट एंड कॉस्ट ऑफ 16 कॉलम्स एंड पिलर फॉर 1200 स्क्वायर फुट हाउस, ठीक है। 1200 स्क्वायर फुट हाउस के लिए 16 नंबर ऑफ कॉलम का हम क्या करेंगे, एस्टिमेट कॉस्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले इस वीडियो में सॉइल एजुकेशन यानी कि मिट्टी खुदाई का हम कॉस्ट का बात करेंगे, स्टील क्वांटिटी का कॉस्ट का बात करेंगे, सेटरिंग क्वांटिटी कॉस्ट का बात करेंगे, कॉन्क्रीट एस्टिमेट कॉस्ट का बात। देखिए फ्रेंड यह वीडियो इसलिए खास है और सबसे हटके है क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्क्रीट का भी कॉस्ट बता दिए हैं, जो कि सीमेंट बालू गिट्टी का नहीं अलग से पता करना चाहता, सीधा कॉन्क्रीट का रेट यहाँ पे पता चल जाएगा जिसमें सीमेंट बालू गिट्टी सब आता है। अगर आप लोग चाहते ही हैं कि अलग से हम सीमेंट कितना लगेगा, बालू कितना क्वान्टिटी लगेगा, गिट्टी का, स्टील का, रिंग्स का, वो तमाम चीज़ आपको लास्ट तक देखेंगे तो मिल जाएगा। इसलिए वीडियो हमारा खास है और सबसे हट के थोड़ा बहुत लंबा जरूर मिलेगा, लेकिन लास्ट तक बने रहिए, आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में नॉलेज मिलने वाला इस वीडियो से। तो चलिए सीधा हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं, ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं करते दोस्तों। इस वीडियो में हम लेबर कॉस्ट और एक्स्ट्रा कॉस्ट में आपका जैसे कि आ जाता है कांटी वगैरह और सेटरिंग आयल वगैरह जो भी आता है, उस सारी डिटेल्स बात करने वाले हैं। फ्रेंड हम सबसे पहले बात ये करेंगे कि सॉइल एजुकेशन फुटिंग के लिए, ठीक है, 16 फुटिंग के लिए मिट्टी खुदाई का कितना पड़ने वाला है। तो 16 कॉलम गुने फुटिंग का जो साइज है 3 फुट लंबाई, 3 फुट चौड़ाई और 4 फुट गहराई, ठीक है। जब 3 को गुना कर देंगे और 16 कॉलम से गुना कर दीजिएगा तो 576 CFT हो जाएगा मिट्टी खुदाई करना है। कॉस्ट का बात कर ले तो 8 रुपया आपको ले लेगा पर CFT लेबर, उसके अनुसार यह 4608 रुपया हो जाता है मिट्टी खुदाई के ऊपर फुटिंग 16 कॉलम। ये हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें फुटिंग का साइज जान लेंगे, फुटिंग का क्या डेप्थ है, क्या लंबाई है, ठीक है क्या। तो फ्रेंड फुटिंग का मतलब होता है नीव, ठीक है, कॉलम जिसका अंदर में रहता है मिट्टी के अंदर उसको फुटिंग बोलते हैं। तो फुटिंग का जो साइज रहेगा आपका 3 फुट लंबाई रहेगा और 3 फुट चौड़ाई रहेगा और यहाँ पे दोस्तों 4 फुट गहराई रहेगा, जो कि यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है, 4 फुट गहराई के साथ। दोस्तों हम आगे बात कर लेते हैं कि हाइट ऑफ कॉलम जो है जिसको हम लोग पिलर बोलते हैं गांव के भाषा में, वो कितना रहने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो फुटिंग का जो हमारा हाइट है जिसको गहराई बोल दीजिए और साथ साथ कॉलम का जो आपका ऊंचाई है, ठीक है, जिसको हम लोग लंबाई बोलते हैं, तो फुटिंग का हो गया गहराई 4 फुट हो गया और साथ साथ कॉलम का जो है लंबाई जिसको बोल दीजिए वो 10 फीट है। तो टोटल को जब ऐड कीजिएगा तो यह 14 फुट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मिट्टी का जो नींव है वहाँ से लेके आपका छत तक का हाइट कॉलम का हो गया 14 फुट। आप बोलिएगा ये सब क्यों चीज़ क्यों बता रहे हैं, तो दोस्तों आपको ये जानकारी होना चाहिए कि टोटल कितना लेंथ है हमारा कॉलम का, कितना लंबाई है, ठीक है, तभी तो आप जान पाएंगे कितना लंबा कॉलम, कितना चौड़ाई मोटाई है जिसका हम एस्टिमेट निकाल रहे हैं, ठीक है, 1200 स्क्वायर फुट घर बनाने के लिए 16 नंबर ऑफ कॉलम या पिलर का। तो साइज ऑफ 1 कॉलम का बात कर ले तो दोस्तों इसका जो चौड़ाई रहने वाला है वो 12 इंची का और 9 इंची का इसका मोटाई और 14 फुट इसका लंबाई है, ठीक है। तो इंच को हम लोग क्या करेंगे फुट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 12 इंच बराबर 1 फुट हो गया मोटाई और 0.75 हो गया 9 इंच बराबर और 14 फुट तो फुट में है लंबाई है। तो जब तीनों को गुना कर देंगे तो यह 10.5 CFT हो जाएगा और CFT का मतलब क्यूबिक फुट हो जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए साइज ऑफ 16 पिलर्स का अगर बात कर लेंगे तो 16 से गुना कर देंगे, 16×1 × 0.75 फुट इसका मोटाई हो गया, 1 फुट चौड़ाई हो गया और 14 फुट ऊँचाई हो गया लंबाई जिसको बोल दीजिए, तो यह गुना करने में 162 CFT हो जाएगा। और दोस्तों ये CFT का मतलब क्यूबिक फुट, इसको हम लोग क्या करेंगे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 35.32 से CFT से डिवाइड कर देंगे तो यह निकल के आने वाला।
सीएफटी से सीएफटी कटने के बाद यह 4.586 मीटर क्यूब आपका क्या हो गया कंक्रीट या पिलर का साइज हो गया 16 कॉलम का, ठीक है। तो एक मीटर बराबर यहाँ पे 35.32 सीएफटी होता है, ठीक है, इसीलिए हम भागा दे दिए 35.32 से, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अब ये क्या हो गया, इस जो वॉल्यूम निकल के आया है 16 कॉलम का, तो इसको हम लोग कंक्रीट वॉल्यूम भी बोल देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, आप मार्केट से अगर बनल बनाइल कंक्रीट लेना चाहते हैं M20 ग्रेड का, जिसका रेशियो 1:1.3 होता है, यानी कि एक बैग सीमेंट, 1.5 बैग बालू और 3 बैग गिट्टी का बनल बनाइल एक अच्छे कंक्रीट लेंगे रेडी मिक्स, तो आपका 5500 से लेकर 6000 यानी कि 6500 तक भी जाएगा, ठीक है। यानी कि फ्रेंड, हमारे पास टोटल जो कंक्रीट वॉल्यूम है 16 कॉलम का, वो 4.86 मीटर क्यूब है और मार्केट में 6000 से 6500 में आपको बनल बनाइल कंक्रीट मिल जाएगा, ठीक है। हम 6000 कम से कम पकड़े हैं, उसके अनुसार 4.586 का 27516 रुपया पड़ जाएगा, ठीक है, यानी कि 4.5 मीटर क्यूब का। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 30000 पड़ सकता है अगर 6500 के अनुसार आप जोड़िएगा तो। और दोस्तों, अब हम बात कर लेंगे, जो यहाँ तक वीडियो देखे हैं वो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आपको केवल रेडीमिक्स कंक्रीट का ही बताया, अब हम आपको बताने वाले हैं सीमेंट, सैंड, बालू, गिट्टी, जो भी लग रहा है इसमें, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम बिल्डिंग मटेरियल में बात कर लेंगे आपका सीमेंट का। सीमेंट यानी कि 16 नंबर पिलर के लिए 3 बैग लगेगा, एक कॉलम में 3 बैग लगता है, तो 16 कॉलम में आपका 48 बैग लग जाएगा अगर 14 फुट तक लंबाई है कॉलम का तो, ठीक है। तो 16 कॉलम के लिए 48 बैग हो गया और मार्केट में 410 से लेकर 420 435 रुपया है, तो 420 रुपया के अकॉर्डिंग 48 बैग का यह 20160 रुपया आपका क्या हो जाएगा, सीमेंट का क्वांटिटी के ऊपर पड़ जाएगा दोस्तों खर्चा, ठीक है। और आपके एरिया में यह रेट थोड़ा बहुत डाउन या अप हो सकता है 10%, ठीक है, 10 से 20 रुपया वैरी करेगा। इंडिया के अलग अलग लोकेशन पर रेट वैरी हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने की वजह से और बहुत सारा रीजन रहता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर में बिल्डिंग मटेरियल में जो कॉलम के लिए लगेगा मसाला बनाने के लिए, आपको कंक्रीट बनाने के लिए वो सैंड लगेगा, सैंड यानी कि बालू, और यह एक कॉलम के लिए 4.39 सीएफटी लगेगा क्यूबिक फुट, 16 कॉलम को गुना कर देंगे तो यह 70.24 सीएफटी लगेगा, और सीएफटी का मतलब क्यूबिक फुट, यानी कि लमसम एक ब्रास आप ले सकते हैं, ठीक है, 100 सीएफटी के आसपास ले सकते हैं बालू। अब बात कर लेते हैं कोस्ट, भैया हमारे एरिया में 80 से 50 रुपया पर सीएफटी पड़ रहा है, तो हम गुना कर दिए 70.24 सीएफटी का, तो यह दोस्तों निकल के आने वाला 5619 रुपया। और आपके एरिया में जो भी रेट रहे हम फिर से बोल दें, वह 10 से 20 रुपया वैरी होगा, तो आप प्लीज़ पता करके एक सीएफटी का गुना कर लीजिएगा क्वान्टिटी में, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे अगले पॉइंट में, एग्रीगेट होता है जो बिल्डिंग मटेरियल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यह एग्रीगेट हर एक जगह रेट सेम नहीं रहता है इसका भी, जहाँ पे पहाड़ी इलाका वहाँ पे आपका थोड़ा सस्ता रहता है, वहाँ पे फैक्ट्री मैन्युफैक्चर होता है, तो जहाँ नहीं वहाँ पे बहुत महंगा पड़ जाता है। फिलहाल हम बात कर ले 8.78 सीएफटी एक कॉलम के लिए लगेगा अगर 14 फुट लंबा है तो, और 16 कॉलम के लिए 16 से गुना कर दिया तो यह 140 आपका क्या निकल के आ गया सीएफटी कल के, यानी कि 1.5 ब्रास, और 80 रुपया हम इसका भी पकड़ लिए हैं पर सीएफटी का, हम अपने एरिया का रेट, आपके एरिया में जो भी रहे प्लीज़ गुना कर लीजिएगा, तो यह 11200 रुपया पड़ने वाला गिट्टी के ऊपर, ठीक है। तो आइए हम अगले पॉइंट में बात कर लेते हैं दोस्तों, और इसका भी रेट 10 से 20 रुपया वैरी करेगा, ठीक है। अगले पॉइंट में स्टील है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्टील जानते हैं कंक्रीट का रीढ़ माना जाता है, जिस तरह इंसान के शरीर में अगर हड्डी नहीं हो केवल मांस ही हो तो वह चल फिर नहीं सकता, खड़े नहीं हो सकता, इसीलिए हमें कॉलम में तो स्टील डालना ही, और कॉलम में जो हम स्टील डालेंगे वो 12 mm का डालेंगे, ठीक है। यानी कि 16 कॉलम के लिए 15.27 kg गुना कर देंगे, एक कॉलम के लिए 15.27 kg है, तो 16 के लिए हो गया 244 kg, यानी कि कुंटल में कन्वर्ट कर लीजिएगा दोस्तों, 2.5 कुंटल हो जाएगा, और टन्स में 0.245 टन्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए इतना डिटेल्स में आपको यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताएगा, आप जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, केवल हमारा ही वीडियो पे मिलता। इसका भी रेट हम 80 से 85 रुपया चल रहा है, 80 रुपया पकड़ लिए तो 244 kg का यह 19545 रुपये पड़ेगा एक अच्छे स्टील का। लोकल स्टील लेंगे तो दोस्तों जिंदगी में कमा कमा के पैसा इकट्ठा करते हैं, 1000 रुपया कमाते हैं, 1,00,000 रुपया करते हैं, फिर घर बनाते हैं, ठीक है। ज़िंदगी का एक सपना होता है घर, और घर ही कमज़ोर हो जाएगा आपका तो फिर दिक्कत ही होगा, क्योंकि हम लोग बार बार
है नहीं पैसे बिजनेसमैन जो बार बार घर ही बनाएंगे, तो इसीलिए ये सब बिल्डिंग मटेरियल पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिए। एक अच्छे पढ़े लिखे से सजेशन हमेशा लिया कीजिए, वो चाहे कोई सिविल इंजीनियर हो या कोई एक्सपीरियंस आदमी हो। रिंग्स का अगर बात कर ले, जिसको हम लोग स्टीरियो भी बोल देते हैं मतलब, तो एक कॉलम के लिए दोस्तों अगर 14 फुट लंबा है तो 30 लग जाएगा, तो 16 कॉलम के लिए आपका 480 रिंग्स लग जाएगा। कॉस्ट का अगर बात कर ले तो मार्केट में इसका रेट दोस्तों 12 से 15 रुपया पड़ रहा है, ठीक है। तो हम इसका रेट अभी फिलहाल 15 रुपया पकड़ लिए, तो 480 रिंग्स का रेट बनल बनायल मार्केट से अवेलेबल लेके आइएगा तो यह 7200 रुपया पड़ेगा, यानी 7200 रुपया, ठीक है। और अपना कॉलम का साइज तो बता ही दिए हैं आपको, 1 फुट बाय आपका होगा 0.75 फुट का, ठीक है, यानी कि 12 इंची मोटाई और 12 इंची चौड़ाई और 9 इंची का मोटाई का कॉलम, ठीक है, 12x9 इंची का। साथ साथ अगर हम सेटरिंग का बात कर ले तो लगभग 60 स्क्वायर फुट आपका पड़ जाता है। यह एक वस्तु निकल के आने वाला है के लिए मार्केट में से बात कर ले तो कॉन्ट्रैक्टर लोग आपका सेटरिंग कॉन्ट्रैक्टर है 15 से, ठीक है दोस्तों, 20 रुपया के लेता पर स्क्वायर फुट 15 से हम कम से कम पकड़े तो 960 स्क्वायर फुट सेटरिंग का यहां 15360 रुपया पड़ जाएगा। कॉलम के लिए केवल हम बात करें, और साथ साथ लेबर का कॉस्ट कितना पड़ेगा भैया, कॉलम बनाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए दुनिया में लेबर का मैन पावर का जरूरत पड़ता है, यानी कि हम बात कर ले तो 350 रुपया 1 मीटर क्यूब का ले लेगा कंक्रीट फिलअप करने का, पोरिंग करने का और साथ साथ सेटरिंग लगाने का, ठीक है, आयल वगैरह सब लगा देगा उसी पैसा में, तो यह टोटल 1605 रुपया पड़ जाएगा 4.4 मीटर क्यूब का 16 कॉलम के लिए, ठीक है। लेबर का कॉस्ट हम बता रहे हैं 1600 से 1700 रुपया पड़ेगा। एक्स्ट्रा कॉस्ट का बात कर ले, एक्स्ट्रा में आपका आ जाता है जैसे कांटे हो गया, सेटरिंग आयल हो गया और अलग अलग ज्वाइंट के लिए अलग अलग मतलब सेटरिंग लगाते हैं उसका कॉस्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों एक्स्ट्रा कॉस्ट बराबर, तो फ्रेंड यह एक्स्ट्रा कॉस्ट आपका टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 2% आपको खर्चा होगा, जो कि कांटी वगैरह में और सेटरिंग आयल में और साथ साथ सेटरिंग का ज्वाइंट वगैरह कुछ रहता है उसमें एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है। तो 85,297 रुपया का 2% यह होने वाला 217,05 रुपया, ठीक है। फ्रेंड इसमें आपको कंक्रीट कॉस्ट हमने ऐड नहीं किया है, क्योंकि बनल बनायल कंक्रीट आप सीधा लाएंगे तो सीमेंट बालू अलग से इसमें ऐड नहीं होगा, ठीक है, केवल मेटेरियल का कॉस्ट हम बताएं, कंक्रीट को हटा दीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना होने वाला है कंक्रीट को छोड़ के, रेडीमिक्स कंक्रीट को, तो 20,160 रुपया आपका होने वाला। तो फ्रेंड 20,160 रुपया आपका सीमेंट के ऊपर पड़ेगा, 48 बैग का। सैंड का आपका बात कर ले बालू का 5,619 रुपया। इसी के साथ हम बात कर ले गिट्टी का, एग्रीगेट का 11,200, स्टील का 19,545 रुपया, और रिंग्स जिसको स्टीरअप बोलते हैं 7200 रुपया। सेटरिंग का कॉस्ट आपका 15,300 रुपया और लेबर का कॉस्ट 16,500 और एक्स्ट्रा आपका 1705 रुपया। टोटल को जोड़ दीजिएगा 87,000 रुपया आपका खर्चा होने वाला है 16 कॉलम। तो फ्रेंड हम आशा करते हैं आप लोग से कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक